ये दोनों सेम ही होगी ना, पेड़ तो मेरे ही है। हेलो YouTube फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं दीदी खोरावा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हरी मधुर लाइफ स्टाइल में। अभी मस्त सी मॉर्निंग हो गई है और कल से हेमल की बेटर हो गई है अभी तबीयत, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ऑलमोस्ट बस थोड़ा बहुत जो काम था वो फिनिश कर रही थी और दूसरा तो कुछ नहीं करना, बिकॉज मुझे भी ना पैर में बहुत ज्यादा अभी दर्द हो रहा है, तो मैं भी आज प्रॉपर रेस्ट करने वाली हूँ। हेमल अभी सो रहे हैं और मैं भी ना सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके जो दवाइयाँ लेनी होती है सुबह की वो दवाइयाँ ले लेती हूँ ताकि थोड़ा बहुत बेटर हो जाए, उसके बाद ही हेमल को भी जगाती हूँ। सो चलिए अभी सुबह सुबह मस्त गरम गरम ब्रेकफास्ट करके दवाइयाँ तो मैंने ले ली है, बट क्या है ना कि अभी दोपहर का लंच आज मुझे नहीं बनाना है, पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और सुबह सुबह अपॉइंटमेंट भी ले ली है, हमें 6 बजे शाम को जाना है डॉक्टर के पास। वैसे कल ही जाना था बट कल हेमल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से हेमल को डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, इसलिए आज मेरी अपॉइंटमेंट ले ली है। 6 बजे हमें डॉक्टर के पास जाना है पैर को दिखाने के लिए और आज दोपहर का लंच आने वाला है नानी माँ के घर से, सो नानी बना के अमन के हाथों से यहाँ पे भिजवा देगी। तो बस अभी मैं थोड़ी देर वापस से रेस्ट करूंगी और फिर लंच आएगा, तो फिर लंच करके वापस से रेस्ट करूंगी, फिर शाम को जाएंगे डॉक्टर के पास और फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या प्रॉपरली वॉक कर पा रही हूँ कि नहीं, बिकॉज 2-3 दिन से इधर उधर किया ना तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है पैर में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो चलिए नानी माँ के घर से लंच आ गया है। जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था कि हेमल को भी फीवर है, हेमल की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे भी पैर में बहुत ज्यादा ही दर्द है, तो उसकी वजह से आज नानी माँ के घर पे बोला था लंच बनाने को। सो वहां से अभी अमन लंच लेके यहाँ पे आ गया है और अमन भी यहाँ पे है। हाय अमन। हाय, कैसा चल रहा है तुम्हारा? बढ़िया। अमन को बढ़िया हो गया और हम दोनों की तबीयत खराब हो गई, मेरी और हेमल की, बिकॉज ना रक्षाबंधन से अमन की तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों अमन? यस, अब अमन को अच्छा हो गया और सडनली तबीयत हेमल की भी कल रात से नहीं परसों रात से खराब थी, आज तो थोड़ा थोड़ा बेटर है और आई थिंक हेमल भी आ गए है, अभी ब्लॉग कंटिन्यू ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेमल ही है, सच में हेमल ही है। आ गए आप हेमल, तो यहाँ पे हेमल भी आ चुके हैं। जय श्री कृष्ण हेमल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसी चल रही है आपकी तबीयत? बस ठीक ठाक। ठीक ठाक ना, कल से तो बेटर है ना? कल से बेटर है। मैं अभी अभी उसे बोल रही हूँ जो आपके पीछे है ना, उसे कि उसे अच्छा हो गया बट हमारी तबीयत खराब। वैसे मेरी तो तबीयत खराब नहीं है बट पैर में वापस से बहुत दर्द हो रहा है। वो तुम घर पर काम करती रहती हो ना, इसलिए डॉक्टर ने क्या बोला है, रेस्ट करने को बोला है, बट थोड़ा थोड़ा हो जाता है, घर पे होते हैं तो काम क्या करें, इसलिए। आपकी तबीयत तब दवाई लेने की वजह से ठीक है ना? अभी ठीक है, बेटर, बट अभी ना थकान लग रही है। वो तो 1-2 दिन में अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो अभी एकदम से लंच यहाँ पे नानी के घर से आ गया है तो अभी हम लोग लंच कर लेते हैं, ठीक है? चलिए बैठ जाते हैं। सो चलिए लंच यहाँ पे करने हम लोग बैठ गए। नानी ने लंच में क्या क्या भिजवाया है वो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मस्त यहाँ पे एकदम से गरम गरम सी प्लेट यहाँ पे रेडी करके मैंने रख दी है। सो देखिए यहाँ पे एकदम से मस्त प्लेट रेडी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है मस्त ग्रेवी वाली आलू की सब्जी और नानी ने ना दो दो सब्जियां भिजवाई है, उसके साथ यहाँ पे है स्प्राउट की भी सब्जी, साथ में है यहाँ पे रोटी और यहाँ पे है चावल और दाल। दाल चावल मुझे नहीं खाने हैं, ये सब कुछ मैं खाऊंगी। और बटर मिल्क भी है और कर्ड मैंने निकाला ही नहीं है, बिकॉज क्या है कि हेमल को गले में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हेमल बटर मिल्क एंड कर्ड दोनों नहीं पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसकी वजह से कर्ड निकाला ही नहीं है। सो चलिए यहाँ पे गरम गरम सी हमारी प्लेट रेडी है तो हम लोग दोपहर का लंच कर लेते हैं। और अमन ढोल बजा रहा है यहाँ पे बिकॉज उसे भूख लगी है, लगी है ना अमन? यस। चलो जल्दी खाना खा लेते हैं। सो चलिए अभी हो चुकी है इवनिंग और जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था कि आज शाम को 6 बजे जाना है मुझे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए मेरे पैर के लिए। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, हेमल भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। हेमल सब कुछ ले लिया ना, जो कुछ भी लेना है वो ले लिया। और बेडरूम की हालत तो देखने जैसे ही नहीं है, बिकॉज कुछ काम ही नहीं किया है सुबह से। वैसे भी 2-3 दिन से कपड़े भी फोल्ड मैंने नहीं किए है बिकॉज बहुत ज्यादा। यस, बिकॉज पैर ठीक हो जाएगा ना उसके बाद सब काम करना ही है, इसलिए। चलिए तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से सीधा हॉस्पिटल, पहले डॉक्टर को दिखाते हैं ताकि वो प्रॉपर वो कहते हैं ना, पता चले कि अब कब तक मैं अच्छी तरह से वॉक कर पाऊंगी, बिकॉज कभी कभी इतना ज्यादा पेन होने लगता है ना तो मुझे रोना भी आ जाता है। ता है क्यों हेमल? कभी कभी अचानक से हो जाता है बहुत ज्यादा। तो काम करती रहती हूँ ना, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, चलते है पहले डॉक्टर के पास, ठीक है? चलिए हेमल, चलते। चलो
सो चलिए अभी हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं और मुझे ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि क्या डॉक्टर बोलेंगे। बस जल्दी जल्दी सब तो डॉक्टर से मिले और वो बता दे कि क्या प्रॉब्लम अब है आगे। 1 hour later 6 बजे से गए थे, अभी कितने बजे? जब गए थे तब उजाला था, अभी अंधेरा हो गया है। इतना टाइम लगा ना, कितने बजे मर? 7:30 होने को, 7:00 देखे भी इतना टाइम लगा ना, बिकॉज दवाइयाँ भी चेंज कर रहे सब। अभी यहाँ पे आवाज आए कि उस सच है, घर पे चलते हैं और फिर पूरी डिटेल देती हूँ क्या क्या डॉक्टर ने बोला है। अभी दवाइयाँ लेके हम लोग जा रहे थे घर पे, बट हेमल बोल रहे हैं कि चलो छोटी सी बाइक राइड लेते हैं और फिर चलते हैं घर पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्त बाइक राइड लेने के लिए। हेमल वो खाना नहीं है, नहीं खाना है। देखिए फाउंटेन आज स्टार्ट है, वो हर रोज स्टार्ट होता है। हाँ तो वो वाला क्लोज रहता है ना, तो ये याद रहे। आपको खाना है ये पीनट्स? नहीं मुझे नहीं खाना, तुम्हें खाना? नहीं। देखिए अभी सब लोग वो पीनट्स की सीजन अभी चली जाएगी, थोड़ा ही टाइम है ना। लेके आऊँ तुम्हारे लिए? कल लेके आना, कल हम घर पे रोस्ट करेंगे। अभी ना डॉक्टर पर आने वाली है, इसलिए सब जगहों पे मस्त रास्ते भी नए बन रहे हैं। और देखिए इसमें ना नए बैनर भी लगेंगे ना, नए मतलब कि बैनर लगेंगे ना, बिकॉज वो शुभकामनाएं देते हैं ना सब लोग डॉक्टर पर। हाँ बट कौन आने वाला है ना वो अभी आइडिया नहीं है, अभी तो पीछे से ट्रक आ रहा है। वो रुके बस है, ट्रक नहीं है बिकॉज वो ट्रक बहुत निकलते इस वाले रास्ते से, मैंने सोचा ट्रक ही है। हेमल आपको कुछ आइडिया है कौन आने वाला है? बिकॉज क्या है ना कि हर साल 2 अक्टूबर को यहाँ पे कोई ना कोई वो कहते ना आता ही है जो होते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है आज आएंगे तो कदाचित सीएम। हाँ ज्यादातर तो सीएम ही आते हैं हमारे गुजरात के, तो वो यहाँ पे आते हैं कीर्ति मंदिर पे। फिर 2 अक्टूबर को सब सेलिब्रेशन वहाँ पे छोटा सा होता है, वैसा सब कुछ वहाँ पे होता है। गांधी जयंती होती है ना, इसलिए अब प्रॉपर आइडिया नहीं है इस बार के कौन आने वाला है, पर तैयारियाँ जोरों शोरों से पोरबंदर में ऑफिस स्टार्ट हो गए हैं। बिकॉज कल नहीं और परसों है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और मैं बोल रही हूँ ना कि परसों नहीं तरसों है, अभी तो आज 29 है ना, 29 है, कल 30 फर्स्ट पे 2 अक्टूबर। हाँ तो अभी 2 दिन के बाद आई थिंक संडे आएगा ना, संडे नहीं पर आज कौन सा वो भी नहीं पता, आज फ्राइडे है ना, मंडे को होगा, मंडे को होगा। चलिए तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे वापस, फिर चलते हैं। लाइट भी ऑन नीचे से करना भूल गई, लाइट ऑन करती हूँ और सबसे पहले डोर ओपन कीजिए हेमल। चलिए चलते हैं अंदर, पहले ना मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा इधर हमारी मेरी जगह पे, आजकल मेरी यही जगह बन गई है इसलिए। गए हैं लाइए हेमल, क्या क्या है दिखाइए। सबसे पहले तो ना वापिस से आज एक्सरे करवाया, तो एक्सरे तो है ही बट उसके साथ इतनी सारी दवाइयाँ दी है, फिर स्प्रे लिख के दिया है और प्रॉपरली डॉक्टर ने बोला है कि वॉक तो कर सकते हो बट थोड़ा बहुत, रेस्ट ज्यादा करने का बट वॉक थोड़ा बहुत ही करने का। और दूसरा क्या क्या है? बस ये पूरा वापिस से, ये नया एक्सरे, यस वापिस से एक्सरे करवाया उसने बोला कि अभी। हाँ एक बार वापिस से देख लेते हैं हम लोग, बिकॉज इतने दिन हो गए दर्द हो रहा है इसलिए दूसरा उसने बोला कि करवाना पड़ेगा। बट उसमें भी कुछ नहीं है, बिकॉज एक्सरे में क्या होता है कि हड्डी का ही पता चलता है। अब हड्डी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे ना सूजन आ गई है हड्डी के ऊपर, तो वो सूजन है ना वो पता नहीं किसी कारणवश वो निकल ही नहीं रही है सूजन वहां से, उसकी वजह से हो रहा है। और प्रॉपर देखिए दो दो एक्सरे आ गए है, दिख रहा है? यस दोनों सेम ही होगी ना, पेट तो मेरे ही है, सेम ही है। बस अभी दवाइयाँ लिख के दी है और बोला है कि 8-10 दिन में अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिएगा और थोड़ा चलना फिरना कम रखिएगा। वैसे तो सब जगहों पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर पे ही बैठे रहो, बट थोड़ा कम। तो बस दवाइयाँ लिख के दी है, अब दवाइयाँ लेंगे, अभी रात का गरम गरम से डिनर बनाऊंगी। और हाँ दूसरी बात है मल, मैंने अभी अभी ना अमन को भी कॉल किया था, सो वो भी अभी यहाँ थोड़ी देर में आ रहा है घर पे, दवाइयाँ भी चेंज करके दी है। हाँ चेंज ही पूरी पूरी सब के सब चेंज करके दी है।
और साथ में ये स्प्रे भी दे दिया है। देखिए सारी की सारी दवाइयाँ और ये स्प्रे भी दिया है। ये दवाइयाँ है ना? यस, ये सारी की सारी दवाइयाँ भी आ गई और स्प्रे भी आ गया। चलिए तो अभी मैं जाती हूँ थोड़ा बहुत किचन में जाके। वो क्या है डिनर करने से पहले दवाइयाँ? हाँ, एक होती ही है, इसके पहले भी थी। चमिया पहला लिखा होगा। ये दे। हाँ, तो वो भी मैं थोड़ी देर में। ये देखो ये वो क्या कहते हैं, समुंदर में सही लगे पल्स होते हैं ना, जो बिल्कुल पल्स की तरह है। चलिए तो अभी मैं जाऊं नीचे। जाओ ठीक है, नीचे किचन में जाती हूँ, गरम गरम सोरा बहुत डिनर बनाएंगे, फिर डिनर करके दवाइयाँ पहले लेनी है, सो दवाइयाँ लेते हैं। और अभी मैं बोल रही थी ना, और देखिए अमन भी यहाँ पे आ गया है ना, मुस्कुराता आ रहा है, मुझे पैर में दर्द हो रहा है। आ गई हॉस्पिटल से। हाँ, लंबा चौड़ा दवाइयों का लिस्ट लेकर आई हूँ। तुम्हें पीनी है, थोड़ी हेल्प करोगे पीने में? बैठ जाओ। और वापस से वो निकाल के भी लाई हूँ, मेरे गुजराती में क्या कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं तुम पता है इसे? नहीं पता। आपको पता है मैं? क्या? गुजराती में एक्सरे को क्या कहते हैं? नहीं मुझे कुछ आईडिया नहीं है। गुजराती में इसे बोले कि फोटा पड़ाया। वो फोटो क्लिक करवाते हैं ना, वैसे सब बोलते हैं कि फोटो पड़ाया फोटो पड़ाया, तो फोटा पड़ा के आ गई अमन, दोनों एक्सरे हो गया अब। बट डॉक्टर ने वही बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है बस। बोले कि 15 दिन हो गए ना? हाँ 15 दिन हो गए, इसलिए वापस से एक्स्ट्रा एक्सरे करवाया। हाँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ इसलिए वो देखने के लिए। चलिए तो अभी दवाइयाँ लेके आराम करने को बोला है, ठीक है करेंगे आराम। तुमने आराम करने को बोला है? वो क्या है ना कि रेस्ट तो मुझे ही करना है, बट आप मेरी हेल्प करते हैं ना, हेल्प यानी कि वो घर पे अमन रहता है तो मुझे कुछ चीजें चाहिए वो हेल्प कर देता है, और दूसरी बात क्या अकेले अकेली बोर ना हूँ इसलिए अमन को मैं यहीं पे बुला लेती हूँ। अमन कुछ गेम चलो ना खेलते हैं, कितने दिनों से बोल रही हूँ कुछ लेके ही नहीं आया, कुछ नवा व्यापार और लेके बोल रहा था वो सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी नवा व्यापार, हमारे गुजराती में उसे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, क्या खेलते थे हम, न्यू बिजनेस बोलते हैं। हाँ न्यू बिजनेस नवो व्यापार, फिर हम कैरम भी खेल सकते हैं, लेके आए ना कहीं से? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? मर्सी। चलो अभी तो मैं डिनर बना रही हूँ। फोन आ गया सबके पास। यस, इसलिए कुछ सारी सब कुछ भूल गए, सब भूल गए, बच्चे भी भूल गए, पहले सब खेलते थे अब कोई नहीं खेलता। अभी छोटे बच्चे हैं ना, उसको पूछो कैरम क्या होता है, कुछ पता ही नहीं होता है। क्या कुछ मालूम नहीं होता, बस उसे पूछो फोन क्या है, फ्री फायर फिर पबजी वही सब गेम खेलते हैं, और अपने बचपन की लाइफ को एंजॉय नहीं करते, हमने बहुत एंजॉय की है। चलिए अभी तो किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सो चलिए अभी गरम गरम सा हमारा रात का डिनर यहाँ पे रेडी है, और मैंने ना बहुत बड़ी प्लेट ली है तो सब कुछ इसमें समा गया है ऐसा। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है रोटी, और उसके साथ है यहाँ पे गरम गरम सी चाय, यहाँ पे सब्जी जो की है बिना मिर्च, बिकॉज हेमल को गले में इन्फेक्शन है इसकी वजह से ये सब्जी बनाई है, इसमें मैंने मिर्ची पाउडर ऐड नहीं किया है, ये आलू की सब्जी है, और इसके साथ है फ्राई किए गए पापड़। और प्लेट क्या है इतनी बड़ी प्लेट? वो छोटी आज पता नहीं भूल गई वो बड़ी प्लेट, मैंने सोचा इसमें आ जाएगा तो नहीं आया, जमा गया वैसे चलेगा। सो चलिए अभी हम लोग हमारा गरम गरम सा डिनर कर लेते हैं, और फिर जो कुछ भी काम है वो फटाफट से फिनिश करूंगी। देखो खाने के लिए बैठ गई थी अभी डिनर करने के, दवाइयाँ भूल गई थी रिच, अभी मैंने और अमन ने याद दिलवाया कि दवाइयाँ लेना बाकी है। वो क्या बोलते हैं खाने से पहले? जमिया पहला, देखिए जमिया पहला लिखा है, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। वो कोई बात नहीं है, मोती के दाने में से जेम्स निकली है, देखिए कौन सी वाली निकली है, ये रेड वाली, वो खाने से पहले लेनी है, भूल गई थी क्या करें अब भूल जाते हैं, अब खाने के बाद की भी है ये पहले ले लेती, तो वो तुम्हें याद रखना चाहिए ना, भूल जाते हैं क्या करें, इंसान है गलती हो जाती है। देखो चली गई पेट में, फाइनल चली गई आज एक ही बार में, एक ही बार में वापस आती है। वो मुझे देखना है, वो उस दिन दिखाया था ना घर पे, इसलिए देख एक करके दिखी। वो ऐसा हो जाता है कि दिमाग तुम्हारा कहीं और रहता है? नहीं, दिमाग जब दवाई पे होता है ना तभी वो वापस आती है, और रख के पीती हूँ ना तो चली जाती है। अच्छा ऐसा, चलिए अभी खाना खा लेती हूँ 5 मिनट बाद। ये लो रिच, देखो क्या कर रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दवाइयाँ ले लो, लाइए ट्रॉफी, अभी एक और रुको पानी के बगैर खाऊं? हाँ चबा जाऊं, ये लीजिए आप चबा जाइए, मैं तो चबा जाऊंगा।
पानी तो दीजिए। देता हूँ, रुको दूसरी अभी निकालने तो दो दवाइयाँ लाइए, दोनों साथ में पी जाऊंगी। नहीं पहले एक पी लो, कोई बात नहीं। ये वाली दवाई का कुछ आइडिया है तुम्हें? हाँ, वो आधी भी नहीं है। क्या आधी? ये लो, मैंने कर दी है। ये वाली ले लो, वो भूखा वाली है। देखो इसमें से ज्यादा टेस्ट आएगा अब दवाई का। वैसे रिच, इसे ढक्कन में कौन पानी पीता है? मैं पी लेती हूँ कभी कभी, कभी कभी चलता है। वैसे ना मैं क्या बोल रही थी हेमल, कि ये दवाई जो अभी अभी लास्ट में पी ना, कौन सी वो वाली? अच्छी बात है, अभी दिखाने के लिए ये वाली है ना, वो मैंने लास्ट में पी ना, वो अच्छी बात है कि डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आधी ही पीना, क्योंकि ये पूरी मैं वैसे भी नहीं पी पाती, यहाँ पे गले में अटक जाती। आधी इसलिए बोला डॉक्टर ने क्योंकि मैंने देखा वो उसमें ज्यादा पावर वाली है, इसलिए। अगर पावर कम भी होता ना इसका तो भी मैं याक ही नहीं पी पाती। सोचा है कि अर्धी पीनी है, उसमें लिखा है अर्धी। गुजराती अभी आधी है ना, सुबह पीनी है तुम्हें। और चलिए आज का व्लॉग भी अब यही पैन करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल हरी मधुर लाइफस्टाइल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हेमल अब तो कैमरा तो बंद कर दीजिए। चलो कोई बात।